हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2019 में नीट में आए हुए क्वेश्चन की। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि टू पॉइंट चार्जेस कैपिटल ए एंड कैपिटल बी हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ। मतलब समझिए, हमसे कह रहा है हमारे पास दो बॉडी, मान लीजिए एक बॉडी का नाम है ए, एक बॉडी का नाम है बी। ए वाली बॉडी पर प्लस क्यू चार्ज है, बी वाली बॉडी पर माइनस क्यू चार्ज है, और ये दोनों बॉडी एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस, हमने मान लिया वो निश्चित दूरी जो है, वो सर्टेन डिस्टेंस जो है वो स्मॉल आ रहा है। जब ये दोनों चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू ए और बी पर रखे हैं आर डिस्टेंस पर, तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैपिटल एफ है, जैसा कि ये लिखा है। अब आपसे कह रहा है कि इफ 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर टू बी, आपसे कह रहा है कि ए वाले से 25% चार्ज बी वाली बॉडी पर ट्रांसफर हो रहा है। अब आप बताइए कि जब ए से चार्ज बी पर ट्रांसफर हो जाएगा तो इन दोनों बॉडी के बीच में नया फोर्स कितना लगेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार जल्दी से समझिए। दो बॉडी हैं, एक ए एक बी, ए पर प्लस क्यू चार्ज है, बी पर माइनस क्यू चार्ज है, एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस आर पर रखे हैं। जब आर डिस्टेंस पर रखे हैं तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स एफ है। अब ए वाले से 25% चार्ज बी पर चला गया। अब बी पर जब चला गया चार्ज तो इनके बीच में नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना हो जाएगा, हमको ये बताना है। तो आइए पहले तो आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए और इसके बाद मैं आपको इसका सलूशन बताता हूं। ठीक है, क्वेश्चन आप नोट करिए, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप नोट कर चुके होंगे। ठीक है, चलिए ये मैं रब कर रहा हूं इसको, इसके बाद मैं इसका सलूशन आपको दूंगा। चलिए भाई देखिए जरा कैसे इसका सलूशन बनेगा। तो यहां से देखिए सलूशन, सबसे पहले हमसे कह रहा है कि हमारे पास टू पॉइंट चार्ज है, एक का नाम है कैपिटल ए, एक का नाम है कैपिटल बी, यहां पर रखा है प्लस क्यू, यहां पर रखा है माइनस क्यू, इनके बीच की सर्टेन डिस्टेंस है आर। आप बताइए इनके बीच में कूलाम फोर्स कितना लगेगा। तो कूलाम फोर्स का फार्मूला क्या होता है बताओ, एफ इक्वल के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 की वैल्यू है Q इंटू Q2 की वैल्यू है Q अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, ये प्लस और माइनस क्या बताते हैं आपको मालूम है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, F इक्वल के ये आ जाएगा Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। हमने बच्चों इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब जानते हो आपसे क्या कह रहा है, अब आपसे ये कह रहा है कि ए वाले से 25% चार्ज बी को ट्रांसफर हो रहा है। तो आप बताइए कि चार्ज ऑन कैपिटल ए कितना है, यह है क्यू, और ट्रांसफर्ड कितना हुआ, ट्रांसफर्ड कितना हुआ, ट्रांसफर्ड चार्ज कितना हुआ बताइए भाई, ट्रांसफर्ड चार्ज कितना हुआ। तो कह रहा है कि जितना क्यू पर है उसी क्यू का 25% ट्रांसफर हो गया। इसका मतलब कितना ट्रांसफर होगा, Q इंटू 25 अपॉन 100, यानी कि यह आ जाएगा Q बाई 4, कट जाएगा ना। तो बताइए ट्रांसफर चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो ट्रांसफर चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई, ट्रांसफर चार्ज की वैल्यू आ गई Q बाई 4। अब आप ये बताओ यहां से Q बाई 4 चार्ज निकल गया तो जाहिर सी बात है A पर चार्ज की कमी हो गई होगी और बी पर कुछ बढ़ गया होगा। ठीक है, तो बताइए अब चार्ज ऑन ए कितना हो जाएगा, चार्ज ऑन ए कितना हो जाएगा, जितना पहले चार्ज था उसमें से ये क्यू बाई फोर निकल जाएगा, कितना बचा, फोर क्यू में एक क्यू चला जाएगा, ये बचेगा थ्री क्यू बाई फोर। अब आप बताइए जब ये क्यू बाई फोर यहां पर आएगा तो चार्ज ऑन बी कितना हो जाएगा, चार्ज ऑन बी कितना हो जाएगा,
माइनस क्यू में ये क्यू बाई फोर एड हो जाएगा, तो ये माइनस फोर क्यू प्लस क्यू ये आ जाएगा माइनस थ्री क्यू बाई फोर। अब अगर आप ध्यान दें तो नया केस क्या बन रहा है, नया केस ये बन रहा है कि बॉडी तो वही है ए और बी, अब चार्ज बदल चुके हैं 25% चार्ज ट्रांसफर होने के बाद। अब बताइए ए पर कितना हो गया है, ए पर हो गया भाई साहब 3q/4, कितना हो गया है 3q/4, और बी पर कितना हो गया है -3q/4। क्या डिस्टेंस हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, डिस्टेंस हम गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, तो डिस्टेंस तो वही है। अब कह रहा है कि इनके बीच नया फोर्स कितना हो जाएगा, अब आपको ये बताना है। तो हमने मान लिया कि अब इनके बीच में नया फोर्स हो जाएगा एफ डैश, और बताइए एफ डैश की वैल्यू कैसे निकलेगी, एफ डैश का फार्मूला क्या होगा, तो फार्मूला वही के। अब बताइए क्यू वन का काम कौन कर रहा है, क्यू वन का काम कर रहा है 3q/4 इंटू क्यू टू, क्यू टू काम कौन कर रहा है यही 3q/4। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं ये प्लस माइनस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ये ध्यान रखना। और अपॉन आर का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा एफ डैश इक्वल कितना आ जाएगा बताओ भाई, ये आ जाएगा 9/16, ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बोलो भाई आप देखो इधर एफ डैश इक्वल ये आ जाएगा 9/16, और ये वाली वैल्यू की जगह के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की जगह बताओ बेटा, ये देखो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो एफ। इसका मतलब आप अपने ऑब्जेक्टिव में देखिए, आप अपने ऑप्शन में देखिए कि उसमें लिखा था लास्ट वाला ऑप्शन क्या लिखा था 9/16 एफ, यानी कि पहले फोर्स का अब जो नया फोर्स बन जाएगा वो 9/16 हो जाएगा भाई, पहले फोर्स एफ लग रहा था अब कितना हो जाएगा 9/16 हो जाएगा, यानी कि पहले से फोर्स की वैल्यू 9/16 हो जाएगी पहले की तुलना में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो मिलते हैं, पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए ठीक है, मैं हट जा रहा हूँ सामने से। तो बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के एक बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।